Childhood shapes who we become. But some young lives are being harmed by sexual abuse, and for some this leads to significant problems in later life. Right now, on average, one child in 20 suffers sexual abuse. But there are actions we can all take which, when brought together, can make all children safer and help stop it from happening. First, we need a better understanding of how this abuse can happen. We know most sexual abuse is committed by a person known to the child, not a stranger. We also know that around one-third of child sexual abuse is committed by another child or young person. So there are practical steps everyone can take to keep children safe. Parents can ask important questions about places where their children spend their time. Does the new babysitter have trusted references? Do sports clubs employ the right people to keep children safe? At school, staff can make sure students are kept safe by checking on areas of the school that can feel unsupervised, such as quiet corridors or outside spaces. Not all sexual abuse involves direct contact. It could be seeing pornography or being groomed to perform sexual acts online. We can prevent this kind of abuse by making the online world safer for children. We can check privacy settings, parental controls, and report cyberbullies. Parents and schools can talk to their children about relationships and sexual behaviour to help them understand what is and isn't okay. Sometimes sexual abuse is committed by young people, and they need support to help them understand and address their behaviour. If a child does experience abuse, they need to feel safe speaking out, and they need support which helps them start to turn their life around to have the childhood they deserve. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते उतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में चार जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए, और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन चार जगहों पर छू सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन चार जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन चार जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिस पे आपको भरोसा है। वो कौन है तुम मुझे बताओ?
किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 10-9-8 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। Now I understand that abuse can come from anyone, even a close relative. Sure, my uncle showed me affection, gave me gifts, and allowed me to confide in him. But lots of relatives do that stuff, and it's totally fine. So when did it go too far? The moment I felt uncomfortable. Pay attention to how others make you feel. When you realize something's wrong, that's when you have to say no and do whatever you can to be safe. Don't get caught up thinking about what might happen if you tell someone. You have to do what's best for you. Sometimes that means getting help from an adult you trust. Listen, no matter what the circumstance or how long it's been happening, it's never too late to stop it.